हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम जी। कैसे हैं भाई, सुना दो सारे। उम्मीद है जी सब बढ़िया होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है, 11 बज गए हैं। 11 बजे मैंने करी है व्लॉग की स्टार्टिंग और काम लगभग हो ही गया है। हमने सोचा भाई आज नहा के चलो साड़ी पहन लेती हूँ, इधर हो गया ना साड़ी पहने और मौसम अच्छा होता है ना, तो फिर साड़ी पहनने की इच्छा मेरी हो ही जाती है। की भी स्टार्टिंग कर ही दी है और जी आप जी लाइक कर दियो और शेयर कर दिया करो जी चैनल पर, जो नए हैं चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साथ के साथ बेल आइकन ऑन कर लिया ताकि आने वाले व्लॉग के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। और जी बना दी रोटी बना दी। और जी इस चैनल पे ना आपको डेली रूटीन मेरा देखने को मिलेगा और सोनिया शर्मा ऑफिशियल पे अच्छी अच्छी बेस्ट बेस्ट स्टोरी नाटक, एक हरियाणवी नाटक टाइप में जो होती है सास बहू की नोक जो इमोशनल स्टोरी, नंद बाबे की ऐसी फैमिली को लेकर जो होती है ना भाई घरेलू घर घर की एक चुपानी होती है, तो वो देखने को मिलेंगे भाई। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लियो और देख लियो जाके और बताया करो कमेंट करके कैसा क्या बनाना चाहिए ना जी। आपकी सपोर्ट बहुत जरूरी है गाइस, बिना सपोर्ट के आपकी कुछ ना होना। ये कंबल कितना है ना, सुबह तक तो वह लगा दिया, जब भी आप लेटते हो फिर फैला कर चले जाते हो। वहां बैठ जाओ पर ना आप वहां करे इतना ही टाइम ही लगा दिया मुंह में रोटी ले रहे भाई जरूर। छोटू बड़ा इतना बड़ा कहां है, छोटा टुकड़ा खाया करो। और आप तो वैसे भी मलूक हो, ज्यादा मलूका ना मैं अपनी वीडियो में लेती भी ना हूँ क्योंकि मेरी वीडियो में वे चलेंगे जो मेरे की तरह बुरी सी शक्ल के होंगे। ज्यादा मलूक ले लिए तो फिर वायरल नहीं हो जाऊंगे। सही बात। और हमारे घर में दो ही मलूक हैं, एक वंश और एक वंश के पापा जी। सही बात। मैं वीर हाँ बोले होंगे शिकला के, इसलिए हम दोनों ही अपने ब्लॉगिंग कर लेते हैं। अब तो वीर भी गुंडा कर दी दे रहा भाई, वीर भी बहुत कम आता है। तो भाई सभी हो गई हूँ मैं रेडी और क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले रोटी खाना जी। हमने बनाई थी आलू गोभी की सब्जी, इसमें वो हरी वाली प्याज भी गिरी थी, तो कई चीज इसमें मिक्स कर दी, बड़ी टेस्टी बन रही लग है, खुशबू तो अच्छी आ रही है। ओ भाई मैं अपनी रोटी खा लूँ एक बार। आ जाओ भाई खाना खा लो भाई, मैं तो भाई ले आई हूँ एक रोटी सब्जी। अब रोटी खा गए फिर पूनम के पास जाऊंगी, वहां देखते हैं आज क्या करेंगे। अभी तो सोची भी ना, पहले बैठते हैं दोनों सोचते हैं उसके बाद कुछ फिर सूट करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कई दिन तो बात बात तो मैं टाइम का पता ही नहीं चलता, बन ही नहीं पता कुछ भी। काम करने के बाद ना एक डेढ़ घंटा मिल रहा है उसमें कुछ बना लेते हैं तो ठीक है, नहीं फिर अगले दिन पर बात चली जाती।
ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਤੇ ਦੂਰ अदरक भी वंश रोटी दिया अभी गाइस टाइम हो रहा है 4 बज गए हैं तो जी मैं आई हूँ पूनम के घर से 3 बजे गई थी 3:45 के करीब और मेरे को लग गया 1.25 घंटा अब आके मैं बना रही हूँ चाय और वीर गया है ट्यूशन पति देव भाई मिले मेरे को मार्केट बस वंश है और मैं हम दोनों मुझे बेटा अब चाय पियेंगे बना के फिर जो है शाम के काम चालू हो जाएंगे पूरा दिन भाई जैसे निकल जाता है देखो 2 बजे मैं काम करके फ्री हुई फिर काम करके वहाँ चली गई एक नाटक शूट करा भाई नंद भाभी की नोक जोक पर बनाया था और उसके बाद अभी आई हूँ चाय पीऊंगी 10 मिनट 5 मिनट के मैं रेस्ट करूंगी फिर शाम के काम चालू करेंगे जी और ये देखियो मैं रस ऊपर तो उतार रही थी तो एकदम मतलब नीचे गिर गया सारे टूट के अभी मेरे बीच में तो टूटे हुए खाने पड़ेंगे आत्मा से छूट गया एकदम तो उतारा जैसे अलमारी में था आता हो चाहे ना आता हो भाई गुनगुनाते रहना चाहिए मैं भूल जाती हूँ गाने कहीं कहीं से याद रहते हैं कहीं कहीं से नहीं रहते हैं इसमें एक पेन लगी रहा ना ये चाय में गिर जाना है बड़े माता कहने का बड़ा डर रहता है और जो वैसे जला के चिपके रहे हैं ना वे सही रहते हैं इसमें पेन है तो ये पेन वाला है अब मैं तो चाय पी के 10 मिनट भाई लेटू हूँ फिर वीर आता मैंने शोर मचा कर जगा देगा तो वीर आवे इतना मैं कर लूँ थोड़ी देर आराम थकान बहुत हो जाती है भाई काम कर 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 कह मना घर में क्या काम है बहुत सारा काम है करने वाले इंसान में करण लगा ना सुबह तक शाम हो जा लेकिन काम खत्म नहीं होते 10-5 मिनट लेटते हैं ना तो आंख बंद करते हैं कि पड़ा है जो पड़ा रहने दे बाद में करेंगे ऐसे लेटना पड़ता है जब शरीर बिल्कुल जवाब दे जाता है जब ये सोचती हूँ कि चलो अब तो मैं 10 मिनट लेटूंगी ही मांस लिया हूँ आपके भी ये तो पापे देखा है ना जब भी चाय मांग रहे तो लो भाई चाय पी लो काम पड़ा रहा ना जब लेट है उसमें नहीं आता मजा काम होने के बाद टेंशन फ्री होकर जो 10-15 मिनट भी लेट लेते हैं ना तो ये लगा लो पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और माइंड भी रिलैक्स हो जाता है ले ले रहे वंशु ले आजा जल्दी से आजा भाई छोटी सी जिंदगी है मौज तो जीवो चैन तो हर छोटे छोटे रात पे ना रोना नहीं रोना चाहिए टेंशन किसकी लाइफ में नहीं आती किसी से पूछ लो सब ये कहेंगे मेरे से ज्यादा दुखी कोई नहीं हर इंसान ऐसे ही करता है तो भाई ऐसा ना कहनी चाहिए ऐसा कहनी चाहिए मेरे तो सुखी कोई नहीं टेंशन को करो साइड और ओढ़ का कंबल सो जाओ झंडा हो गया हंस रहे हैं मंसू मैं ऐसी हूँ ना या मैं गाइस कई दिन हो गए हमारी ना टंकी पानी की फुल होती नहीं है
पानी जल्दी चला जाता है और टंकी पूरी भरती है ना जब पेटों में लगाती है। और वही टंकी भरती नहीं तो फिर बेचारे प्यासे थे, आज मैंने बाल्टी भर ली है, नीचे से लाई बाल्टी भर कर और जब ऊपर पेटों में पानी लगा दी। चार पांच पेड़ रह रहे हैं ये भी सूख जाएंगे बिना पानी के, या तो बेल ऐसी है इसमें ना पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन जब टंकी में हाथ ना जाता फिर नीचे तो लेना पड़ा है ना, तो कहा होता है ना गैस छोटी उंगली इतना लकड़ा तो टेढ़ी कर लेनी चाहिए, पर लकड़ना जरूर है और खाना जरूर है। और ये देखो पड़ोसिया की, ए निशू ये देख हमारी ये सारी टूट गई है हमारे यहाँ, किसी के सर पर मम्मी ने कह दिया यहाँ मत रखो सर पर गिर पड़ेगी, वीर खेलना है ना, एक तो टूट गई नीचे गिर के हर एक की सौ की रखी है वे रखी ऊपर, तो है तो आंटी भी तुम्हारी बोलती है लोग टूट गई है करवा चौथ के कर गई और कमोई। एक बार बढ़ती रहेंगी ना जब, तो ऐसे पूजा पाठ करेंगी जैसे कितनी जरूरत है इनकी, और बाद में फिर ऐसे फेंकती डोल लेंगी पड़ोसिया के गिर जाए टूट जा, इनको चला देना चाहिए जब यूज में नहीं आती तो चला देनी चाहिए ना, पिछले साल की भी तुम्हारी हमारे यहाँ पड़ी थी और अब की भी यहीं पर पड़ी है, और सर पर गिर जाए वो अलग टूट जाता वीर का सर, पर यहाँ पर खेल रहा था लट्टू घुमा रहा था जब उसके सर पर पड़ा है। ये देख लो गाइस एलोवेरा ये आ ही नहीं रहा है इसमें गमले में पूरा फैला हुआ है, और गमला टूटने वाला है किसी भी दिन टूट जाएगा ऐसे, तो किसकी जड़ ज्यादा फैल गई है, पानी इतना आ गए जाती ना जाता क्या करे, शाम को भरूंगी आज रात को आता पानी रात को भरूंगी, और भाई मौसम हमारे यहाँ बहुत खराब है आज, राम जी ऐसा करा है जैसे ठंड गायब हो गई हो फिर दोबारा से कर देता है, आज सुबह तो बादल हो रहे बारिश तो आई ना है पर मौसम हो रहा है खराब। और गाइस ब्लॉग भी कंप्लीट हो गया है तो ब्लॉग का यहीं पेंड करेंगे, बताना आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक कर देना शेयर कर देना, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलियो जी, अब मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में, टाटा बाय।